लॉकडाउन बेले राजधानी रे नाबालिका गणदुष्कर्म घटना रे अभियोग 13 दिन पर भी पुलिस हाथ खाली। राज्य शिशु सुरक्षा आयोग को 48 घंटिया महलत सरी अभियुक्तों विरोध में पुलिस कौन एक्शन नहीं ताहा स्पष्ट हेउनी। केवल तदंत रे सीमित रही लॉकडाउन लजा। लॉकडाउन बेले राजधानी रे नाबालिका गणदुष्कर्म घटना रे अभियोग 13 दिन पर भी पुलिस हाथ खाली। एमितिकि राज्य शिशु सुरक्षा आयोग को 48 घंटिया महलत सरी अभियुक्तों विरोध में पुलिस कौन एक्शन नहीं स्पष्ट हेउनी। एते बड़ संगीन अभियोग ताहापुनी खोद राजधानी रे तापरे भी पुलिस डिपार्टमेंट ठारू आरंभ करी समस्त विभाग में अद्भुत नीरवता को नहीं। अभियोग मुताबक यह घटनार 7 जन अभियुक्तों मध्यरू कौनसी जनक देहरे भी पुलिस हाथ न मारिबा नहीं नाना संदेह सृष्टि होईछि। अभियुक्तों विरोध में प्रमाण पाउनी कि पुलिस ना पुलिस उपरे आउ कौनसी चाप रही। इते बड़ घटना को जेभली हालक भाव नियाजाउछि ताकू नेई कमिशनरेट पुलिस रो एक्शन उपरे प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। एमितरे कोन कहउछंती वरिष्ठ आईनजीवी आसंतु देखिबा। 7 जनकर ना दिया जाइछि एवं अदर्श मध्ये कहआ जाइछि से 7 जन को कहीं पुलिस पहुँची पारनी बा पुलिस पक्षर गोटे जनौनी से गिरफ्त कर कौन असुविधा रोचे। पुलिस गोटे कौन सब क्षेत्र में चाप सृष्टि कराजे पुलिस करूनी तेणु तो पुलिस कहीं कर खोद भुवनेश्वर ताहले आपणकर राज्य सारा लोकंर कौन पुलिस प्रशासन प्रति विश्वास थी एथु जना पड़ी। सेपटे यह घटन राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग पक्षर एक घरोई गणमाध्यम संस्थार एमडी को नोटिस करा जिबा सह 48 घंटा भितर पक्ष रखा निर्देश थिला हेले पर्यंत ना संपृक्त गणमाध्यम एमडी तांकर पक्ष रखिछंती ना पुलिस ए संपर्क रे कोनोसी एक्शन नैछि। केवल पीड़ितांक मां एवं संपृक्त गणमाध्यम संस्थार एमडी भितर कथबार्तार ऑडियो टेप को नहीं चर्चा चली। ठीक अच्छे मैम मुझे जानी एमडी आम ऑफिस आईन अनुसार संपृक्त गणमाध्यम संस्थार एमडी ए घटन में पक्षभुक्त होगा कथा बोली पूर्वतन पुलिस डीजी निश्चय खबर देखते जहाँ मैंने टेप्रे जा बर्तमान से माने क्लेम करुच्ची गणमाध्यम दे खबरटा सत्य अच्छी ताले जहाँ खबर दे कर्तव्य हूँ आईनगत कि से से पुलिस थाना को खबर दे देवा कथा यदि नहीं ताहले 21 सेक्शन 21 रे से अभियुक्त हो पाइबो। कोनोसी उपांत अंचल कथा नुहे खुद राजधानी रे एते बड़ अभियोग परे मध्य पुलिस रो निष्क्रियता पूरा व्यवस्था उपरे प्रश्न चिन्ह लगाइछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रविशंकर दुष्मंत बेहरा रिपोर्ट न्यूज़7।